सारा देश पालुछि पवित्र रक्षाबंधन, भाई हातरे भौणीर राखी, भौणी पई रक्षा कवच। समाज रही प्रचलित व्यवस्था बढ़ी बढ़ी की सारा समाज सारा परिवार पालन करुछि। समाज रे उत्सव संस्कृति सह व्यक्ति और परिवार को जोड़ुछि। मात्र रक्षाबंधन रो भाई हातरे भौणी राखी ठारु आहुरी व्यापक पृष्ठभूमि रहिछि। एहाको देशर सबुठु बड़ स्वेच्छासेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विराट दृष्टिभंगी पालन करुछि। समाजर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येकंकर सुरक्षा कवच एवं समस्त मिसी राष्ट्रभक्त समाज भावरे सारा देश को सुरक्षार ग्यारंटी। एहा ही संघर रक्षाबंधन उत्सवर पृष्ठभूमि। आजकल ये सारा उत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देता है। रक्षाबंधन तो होता था, लेकिन विशेषकर बहनों ने भाइयों को राखी बांधने का प्रचलन बहुत बढ़ा है। तो संस्कृति की चिंता करने वाले सब लोगों को आनंद होता है कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा का एक काम सारे भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर होने लगा है। कितने संकटों से दुनिया और अपना देश घिरा है, दोनों के लिए, और दुनिया के पास उन संकटों का ही परिहार का कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास है, और दुनिया को उसको देते रहना ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य पूर्ण करने के लिए हम खड़े हो जाए, भारत खड़ा हो जाए, कैसे होगा? भारत के सामान्य लोगों को, सामान्य परिवारों को इस प्रकार रक्षाबंधन के इस सामाजिक सांस्कृतिक आशय को ध्यान में रखकर खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए प्रतिवर्ष ऐसा इकट्ठा आकर एक बार एक भाषण का कार्यक्रम, भाषण क्यों, मनोरंजन के लिए नहीं, भाषण चिंतन के लिए है और चिंतन परिवर्तन के लिए। हम आत्मचिंतन करें। भारत रे रक्षा सूत्र रो बंधन रो परंपरा कहीं क्यों अनादि अनंत काल रो प्रचलित हो आसी। केवल भौणी भाई हाथ रे नुहे, पुरोहित रक्षा सूत्र बांधिवार परंपरा बेस पुराणा। देवराज इंद्रंक सुरक्षा पई खोद इंद्राणी सचिव देवराज को रक्षा सूत्र बांधिबा आम शास्त्र पुराण रे वर्णित होईछि। केवल जे भौणी भाई हाथ राखी बांधो ए प्रकार कथा नहो, दुर्बल सबल हाथ राखी बांधि परिबो। आमर ए राखी पूर्णिमा दिन पुरोहित माने निजर जो माने जजमान थांति तांकु सब राखी बांधंती, कारण पुरोहित अर्थ होछि पुरर जे हित चिंता करे। इंद्राणी सचिव ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀଟା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରଟା ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିପାରିବେ ସମସ୍ତ ଦେହରେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ପ୍ରତିଟି ଘଟକର ପରସ୍ପର ସହ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ସମାଜ ଏକ ରୂପ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ଏହା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଆମେ ଏକ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଏଇ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବ ହଟିବା ଦରକାର। ସମାଜର କିଛି ଘଟକକୁ ଆମେ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇଛେ, ଅବହେଳିତ କରି ରଖିଛେ, ଉପେକ୍ଷା କରିଛେ, ସେ ପ୍ରକାରର ଘଟକଙ୍କୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦର ବନ୍ଧନ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ବୈଭବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯାହା ତ୍ୟାଗ ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ମନୋବଳ ବଢ଼ିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ଛାଡ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରେ। ଏହି ସବୁ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ବୃହତ୍ତର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଜୟା ଦଶମୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା, ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଓ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।